सभी संस्कारी लोगों को और असंस्कारी लोगों को मेरा राम राम, प्रणाम, सत श्री अकाल। और बस इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वरना नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैलाते थे तुम लोग, बहुत कमी नहीं हो। तो कैसे हो यार तुम सब? मैं जानता हूँ मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा, मैं बिल्कुल भी वीडियो डालने के मूड में नहीं हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन तुम लोग इतनी गालियाँ देते हो कि भाई रियलाइज़ हो जाता है कि गुप्ता जी तुझे आना ही पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तेरी जान और समझ गए होंगे कि क्या लेने पे तुले हो तुम लोग। तो भाई आज मैं बड़ा अजीब मूड में हूँ और मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो भाई एक काम करो, ओए ओ ओ ओ नाक में से उंगली निकाल नाक में से उंगली, और ये वीडियो ढंग से जरा सुन लियो। हाँ तेरे को ही कह रहा हूँ मैं। अब ऐसा नहीं है कि इस कंपनी से मेरी जान पहचान नहीं हुई, और बाय द वे इस कंपनी से मेरा मतलब है मीवी से, और टाइटल और थंबनेल देख के अभी भी जो नहीं समझे उनके लिए जोरदार गालियां, तालियां नहीं गालियां। खैर इन सब पे हम ध्यान नहीं देते, हम आते मेन मुद्दे पे। कहां थे हम? हाँ, इस कंपनी से मेरी जान पहचान कैसे हुई। तो इस कंपनी से मेरी जान पहचान का भागीदार बने भुवन बाम जैसे कितने सारे क्रिएटर जिन्होंने मीवी को जम के प्रमोट कर, सॉरी स्लिप पॉइंट, बट अभी तुम कच्चे हो इन्फ्लुएंसिंग में। देखा ऐसे ही लोग मेरे को बार बार कंफ्यूज कर देते हैं, बार बार भुला देते हैं और टॉपिक से भटका देते हैं। अब कहां थे हम? हाँ, तो यही लोग होते हैं जो बार बार आप लोगों को इतना बुरी तरह से प्रमोशन करके इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया आप एक बार मन में सोच ही लेते हो। क्यों? क्योंकि ये आपको टारगेट करते हैं एक ही वर्ड से, इंडियन, इंडियन ब्रांड, इंडियन प्रोडक्ट, जबकि सबको पता है कि इनका माल चाइना में बन रहा है। वो बात अलग है कि 17 दिसंबर से इन लोगों ने सोचा कि एक वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के अंडर एक प्रोडक्ट ले आते हैं, वरना उससे पहले सारा माल चाइना में बन रहा है। आप जाके गूगल करके आओ। सॉरी गाइज, मुझे ये वीडियो बीच में रोकना पड़ रहा है, बट मैं मीवी की हरकतों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैं इस वीडियो को ना आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, मैं बस आपको डायरेक्टली बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या सीन हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने मीवी का जो ईयरफोन लिए थे ना कॉलर वाले, वो निकले थे ख़राब। मैंने मीवी को मेल लिखा, मीवी को कस्टमर केयर पर कॉल करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। बहुत मुश्किल से मुझे जाके मेल पर रिस्पॉन्स मिला था, और उसमें भी इन लोगों ने एक महीना लगा दिया मेरा प्रोडक्ट वापस ले जाने में। और अभी मुझे रिसेंटली मुझे अभी मेरा वो प्रोडक्ट मिला है, और जब मैंने उसकी अनबॉक्सिंग करी ना, तो भाई मैं शॉक हो गया। और आप देखो कि क्या क्या हुआ इसमें। साफ लिखा हुआ है कि भैया मेरे को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, तो अगर ये नया प्रोडक्ट है तो इस पे इतने स्क्रैचेस, ईयर टिप पे मिट्टी,
और ये मेरे फोन से कनेक्ट कैसे हो सकता है। इससे साफ पता चलता है कि ये मेरे ही यूज ये वे ईयरफोन्स हैं और इन लोगों ने उसी को वापस कर दिया। मैंने फौरन एक्शन लिया और ट्विटर पर जाके मैंने इन लोगों को और इनके फेमस क्रिएटर्स को टैग करते हुए ये लिखा, जब मैं ये ट्वीट लिख रहा था ना तब मैंने साथ ही साथ अपने फ्रेंड को कॉल भी लगाया था और उसने मुझे एक चीज़ बोली कि भाई अगर तेरे को लगता है कि ये फ़ोन सही से चल रहे हैं और तू इस मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है, मतलब तू चाहता है कि उन लोगों को ये पता चले सिर्फ कि इस तरह से कंपनी ये फ्रॉड कर सकती है, और बट तेरे को जो ये फ़ोन मिले वो ठीक है चल रहे हैं, तेरा जो इशू था वो सॉल्व हो गया ना, तो कुछ मत करियो, मतलब कोई एक्शन मत लियो। मैंने भी सोचा ठीक है मैं एक्शन नहीं लूँगा बट मैं अपना ये नॉर्मल वीडियो बनाऊँगा थोड़ा स्केच टाइप में, और इसीलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाने का सोच रहा था कि मैं थोड़ा कॉमेडी में बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन भाई मीवी तो सीधा यही चाहता है कि भाई ना तू हमारा बैंड बजा, और भगवान ने भी इस चीज़ में मेरा साथ दिया क्योंकि उसी रात को ये हो गया। ये वाला प्रॉब्लम, और सबसे बड़ा इनका एक और प्रॉब्लम था कि इनके ईयरफोन अपने आप बंद हो जाते थे, ऑलमोस्ट डेड हो जाते थे भाई। इनको चार्जिंग पर लगा दो तब भी इनकी फ्लैश नहीं करती थी लाइट, इन्हें ऑन करो ये ऑन नहीं होते थे, और 6-7 घंटे के लिए एज इट इज पड़े रहते थे, उसके बाद ये अपने आप ऑन हो जाते थे, इन्हें ऑफ करो ये फिर ऑन हो जाएंगे, ऑफ करो फिर ऑन हो जाएंगे। तो भैया मुझे तो यही लगा था कि इन लोगों ने मुझसे मेरा प्रोडक्ट उठाया है, 6-7 दिन अपने पास रखा और फिर वापस मेरे पास थमा दिया। पर हाँ, ये कोई सॉफ्टवेयर इशू नहीं है मेरे फ़ोन का, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मेरे सारे ब्लूटूथ ईयरफोन्स और हेडफोन्स में भी ये प्रॉब्लम आती, उनमें किसी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब तो यही है कि भैया इन ईयरफोन में दिक्कत है। और भाई इनके अगर आप ट्विटर पर चले जाओ ना तो ट्विटर में एक से बढ़कर एक आपको इनके तरफ कंप्लेंट मिलेंगी कस्टमर्स की, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स तो डिलीवरी और इनके प्रोडक्ट के ऊपर ही होती है। तो इनका लेफ्ट कान नहीं चल रहा होता डिलीवरी पे जब आता प्रोडक्ट, इनका राइट कान नहीं चल रहा होता, लोगों के 1 साल पूरे नहीं होते इनके पास पहले ही प्रोडक्ट पहुँच जाता है रिप्लेसमेंट के लिए या डिफेक्ट प्रोडक्ट के नाम पर। भाई आप मैं क्या बताऊँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था इस सबको देख के। और सिर्फ ट्विटर ही नहीं, यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करो तो भाई आपको भर भर के इनकी कंप्लेंट्स मिलेंगी, जिसके अंदर तो भाई 2 बड़े यूट्यूबर्स तक ने कंप्लेंट करी है, और एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे फ्रेंड की है, उसने भी अपने वीडियो यूट्यूब पे डाली थी लेकिन उसके भी कोई रिस्पॉन्स खास मिला नहीं। लेकिन मैंने उसको बोला कि तू टेंशन ना ले, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे दिखाऊंगा और सभी लोगों को बताऊंगा कि तेरे साथ क्या हुआ है, आप ये वीडियो का क्लिप देखो। मैं सीरियस नोट, मैं अपना जो भी ओपिनियन दूंगा वो एकदम ऑनेस्ट होगा एंड मैं इस कंपनी के बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है, मैं इस कंपनी के बारे में बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने इसे झेला है। एंड इस टाइम मेरे पास एक बॉक्स है जो कि मीवी डुओपोड M40 का है, एंड यार इनके प्रोडक्ट्स तो काफ़ी अच्छे होते हैं एंड मेड इन इंडिया भी होते हैं, बस इनकी सर्विस क्वालिटी काफ़ी पुअर है, वो मैं आपको आगे चल बताऊंगा। एंड यहाँ पर इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा है चाइना। भाई ये तो स्कैम है, क्या है ये, क्या है चमगादड़ खाने वालों का हमें प्रोडक्ट दे दिया भाई। एंड मैंने भी इन यूट्यूबर्स की वीडियो देख कर ही मीवी डुओपोड M1 खरीदे थे, बट यार मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा। एंड उस टाइम मेरे भाई ने मुझे 2500 रुपीज़ दिए थे एंड कहा था कि इससे तुझे जो भी खरीदना खरीद ले, बट मैंने टट्टी खरीद ली। एंड यार मुझे उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी कि जितने भी इस प्राइस रेंज में आते हैं एंड खासकर ये जो छोटे वाले होते हैं इसमें काफ़ी माइक की प्रॉब्लम रहती है। एंड यार एक्चुअली होता क्या है, ये बिल्कुल आपके कान के अंदर चले जाते हैं एंड उसके बाद आपको माइक में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसे लगाकर जब भी मैं कॉल पर बात करने की कोशिश करता हूँ तो सामने वाले के पास आवाज़ काफ़ी कम आती है या फिर एको आ रहा होता है आवाज़ में, जिसकी वजह से यार काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे ये हटा के ही बात करनी पड़ती है। तो यार जब मैंने 1 साल पहले मीवी डुओपोड M1 ऑर्डर किए थे तब मुझे ये नहीं पता था कि ये एक इनबिल्ट प्रॉब्लम है एंड सब डिवाइसेस में ऐसा ही है, मुझे लगा सिर्फ मेरे डिवाइस में ऐसा है तो मैं इसे रिप्लेस के लिए डाल देता हूँ।
एंड जब मैंने रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डाली तो वो नेक्स्ट डे ही उसे पिकअप करने के लिए आ गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने 1.5 महीना लगा दिया उसको वापस डिलीवर करने में। एंड ऑलमोस्ट 1.5 महीना उसके टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया। एंड उन्होंने यार वही सेम प्रोडक्ट वापस भेज दिया। एंड उसके बाद मैंने उसे ऑलमोस्ट 1 साल यूज़ किया एंड उसके बाद उसका लेफ्ट ईयरबड ख़राब हो गया। एंड वो प्रोडक्ट अभी वारंटी में था तो मैंने सोचा कि उसे रिप्लेस क्यों ना कर लिया जाए। एंड यार पिछली बार इन्होंने 1.5 महीना लगाया था बट इस बार ऑलमोस्ट 1 साल बीत चुका था तो मुझे लगा इन्होंने कुछ तो सर्विस में इंप्रूवमेंट की होगी, तो इस बार इन्होंने 2 महीने लगाए। एंड ऑलमोस्ट 2 महीने बाद उनका वहाँ से मेल आया एंड उन्होंने ये कहा कि हमारे पास डुओपोड्स M1 अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक हैं, हम आपको न्यू डुओपोड्स M40 डिलीवर कर देते हैं। एंड मैं यार काफ़ी खुश हो गया था कि उनका लेटेस्ट प्रोडक्ट ही मुझे मिल जाएगा, तो मैंने उन्हें कहा कि आप भेज दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उन्होंने ये कहा, सॉरी सर, वो भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो भाई जब नहीं भेजना था तो पूछा ही क्यों। एंड उसके बाद मैंने उनकी वेबसाइट पर जाके चेक किया तो मुझे वहाँ पर पता चला कि वो स्टॉक में है। तो मैंने उन्हें फिर से मेल किया एंड उन्हें बताया कि आपकी वेबसाइट पर तो यार अवेलेबल आ रहा है। फिर उन्होंने ये कहा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, आप दोबारा चेक करें। एंड मैंने उसके बाद उनका प्रोडक्ट डुओपोड्स M40 ऐड टू कार्ट करके बाय करके अपने एड्रेस पे ऑर्डर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उन्हें सेंड किया है कि ये देखो अवेलेबल है। फिर उन्होंने ये कहा, सॉरी सर, माय बैड, आपका प्रोडक्ट आपको कुछ ही दिन में मिल जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ये लाइटों वाला खिलौना भेजा, इसे देखो यार क्या है ये, इसे निकालो ना, तो इसमें ब्लू लाइट जलती है, रेड लाइट जलती है, क्या है ये, क्या भेज दिया भाई। तो यार मेरा ओपिनियन तो यही है कि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एंड काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक प्राइस पर, बट यार जो इनकी सर्विस क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर है। एंड जब भी आपका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा या फिर कोई ख़राब ही आएगा तो ये 2 से 3 महीने लगा देंगे, तो यार वो मेरे हिसाब से वर्थ नहीं है। एंड यार ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना ही था कि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं एंड आपको बता पाऊं मीवी की असली सच्चाई, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाए। इसके केस में तो भाई कम से कम मीवी वाले अगले दिन ही आ गए रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट ले ले, लेकिन मेरे में तो भाई मैंने इन्हें मेल कर के थक गया, तब जाके तो ये लोग आए हैं कि भाई लाओ हमारा प्रोडक्ट दे दो, हम आपको पहुंचाते हैं। उसके बाद भाई इन लोगों को मेल कर करके तो इनसे पूछा जाता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट का क्या हाल है। फिर इन लोगों ने मेल लिखा कि भैया 72 घंटे के अंदर हम आपको आपका प्रोडक्ट दे देंगे। मैंने फिर लिखा मेल कि भैया 72 घंटे पूरे हो गए हैं, अभी तक मेरा प्रोडक्ट आया नहीं। फिर इन्होंने मेरे को एक मेल लिखा कि भैया ठीक है, हम आपको ये शिपिंग लेबल दे रहे हैं, आप का प्रोडक्ट हम जल्दी से जल्द भिजवा देंगे 2 से 3 दिन के अंदर। 5 दिन बाद मैंने फिर इन लोगों को मेल लिखा कि भैया 5 दिन हो चुके हैं, मेरा प्रोडक्ट आया नहीं। वो कह रहे सर आते ही होगा, डिलीवरी वाले की तरफ से इशू है। मतलब एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी के हलवा है क्या, है तुम्हें इतना नहीं पता है तुम्हारी कस्टमर सर्विस बेवकूफ़ बैठी है क्या? क्योंकि तुम्हें कंज्यूमर्स बताए जा रहे हैं कि भैया तुम्हारी डिलीवरी सर्विस बेकार है, तुम अपनी डिलीवरी सर्विस सुधारो। नहीं, हम तो वही बेकार डिलीवरी सर्विस रखेंगे। और हाँ, अगर किसी ने ये बोला ना कि भाई कोविड की वजह से ये प्रॉब्लम है, तो नहीं, कोविड की वजह से प्रॉब्लम नहीं है। आप इनके जरा ट्विटर पर जाके देखो, कोविड से पहले से ही ये लोग इस परेशानी को दे जा रहे लोगों को, भाई सब लोग परेशान हो चुके हैं। तो भाई मेरी बात मानो ना, इनका प्रोडक्ट अगर तुम्हें लेना है लो, ठीक है, लेकिन ये सोच लेना कि भैया उस प्रोडक्ट को लेने के बाद तुम्हारा पैसा बर्बाद है। ठीक है, अगर तुम्हारा प्रोडक्ट बच जाए, सही सलामत हालत में आ जाए, तो उसके बाद उनसे कभी सर्विस की सोचना मत कि ये सर्विस तुम्हारे को अच्छी देंगे। इनका कस्टमर सर्विस बहुत ही घटिया है, तुम 8-8, 10-10 मिनट इनके कॉल सेंटर पर बैठे रहोगे बात करने के लिए, कोई जवाब नहीं देगा। इनका मेल तुम्हें 2 से 3 दिन तक कोई जवाब नहीं देगा, और मेल में भी एक चीज़ ये बार बार तुमसे पूछते रहेंगे कि तुम लोग फेडअप हो जाओ और बोलो कि भाड़ में जाए ये प्रोडक्ट। मेरी बात मानो, मत लेना इनका प्रोडक्ट यार, बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है। और ये जो महान क्रिएटर्स हैं ना, जो इनको बहुत प्यार से प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बेटा कभी ना चेक कर लिया करो प्रमोशन करते हुए कि ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, इस कंपनी की मार्केट में क्या वैल्यू है। क्योंकि मेरी तरफ से तो भाई 0 है इस कंपनी की मार्केट वैल्यू। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि भैया कभी भी मीवी की तरफ से अगर आपको प्रोडक्ट लेना हो ना, तो ये समझ लेना कि आपका पैसा आपको वापस तो नहीं मिलने वाला। और अगर रिप्लेसमेंट के बाद इनको रिफंड मिल जाए, तो भाई आप इस दुनिया के उन गिनती में आए लकीस्ट लोगों में से एक हो। और इन लोगों ने मुझे DM करने के लिए भी बोला था, तो मैंने इन्हें DM भी किया था, जिसका इन लोगों ने मुझे रिप्लाई कुछ ही देर में दे दिया। क्योंकि मैंने इन्हें बोला था 24 घंटे के अंदर मुझे रिप्लाई चाहिए, वरना मैं आप लोगों के अगेंस्ट कंप्लेन कर दूंगा कंज्यूमर फोरम में। तो इन लोगों ने मुझे रिप्लाई करते हुए ये लिखा, इसके बाद मैंने इनसे पूछा कि भैया मेरा प्रोडक्ट अब मुझे कब मिलेगा नया, क्योंकि मैं प्रोडक्ट नहीं चाहता, वैसे तो मुझे चाहिए मेरा पैसा और
कंपनसेशन चार्ज, तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो जाऊँ कंज्यूमर कोर्ट और इन लोगों को वहाँ बुला लूँ। और मुझे इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए भाई। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ट्विटर पर जाएँ और वहाँ पर जाके इस ट्वीट को रीट्वीट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जिनके आप की बहुत केयर करते हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो और उन लोगों को बताओ कि मीवी कितना बढ़िया स्कैम करती है। मतलब मज़ा आ जाता है इनका स्कैम को देख के। और मैं चाहता हूँ कि भाई तुम इस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर, तो मैं ऑलरेडी तुम्हें बोल चुका हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो इस वक्त मुझे सब्सक्रिप्शंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे इस वक्त आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोग ये चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ पहुँचाओ और मुझे इंसाफ दिलाओ, क्योंकि मैं अकेला नहीं खड़ा होना चाहता इस सब में। मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ इस मामले में, मुझे कोई चाहिए। और अगर मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा ना, तो भाई मैं लड़ लूँगा इन लोगों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करना। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ट्विटर का लिंक मिलेगा और वरुण का भी आपको इंस्टाग्राम का और यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ उसको भी जाके फॉलो और सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ही अच्छा बंदा है, बंदा खड़ा हुआ मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बाकी मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, मैं जल्दी आऊँगा, वीडियो लाऊँगा। और इसके ऊपर अगर कोई भी मेरा अपडेट होगा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो मुझे, मैं आपको वहाँ पर बता दिया करता हूँ सब कुछ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहो, स्वस्थ रहो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।